नमस्कार, होम एस्ट्रो वास्तु चैनल में मैं आपका मित्र, आपका भाई, आपका दोस्त वीरेंद्र भाई गुरु जी नमस्कार के साथ स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो हमने उन पढ़े लिखे भाइयों के लिए बनाया है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, इंश्योरेंस क्वालिफाइड हैं, कंसल्टेंसी खोल रखी है, आर्किटेक्ट का ऑफिस है, मनी चेंजिंग का एक ऑफिस खोला हुआ है, कोई और इस तरह के ऑफिस खोल लिए हैं उन्होंने और वो ऑफिस नहीं चल रहा, क्लाइंट नहीं आ रहे, व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही, सफलता नहीं हो रही, इसके कारण बताएंगे आपको और उनका निवारण बताएंगे। हो सकता है इन बातों से आपका ऑफिस, आपका धंधा, आपका बिजनेस बहुत टॉप की पोजिशन में चला जाए। सबसे पहले बताएंगे आपका ऑफिस कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए कि आपका ऑफिस जिस बिल्डिंग में है वो काफी अंदर जाकर मुख्य द्वार की तिरछी दिशा में होना चाहिए और जितना ज्यादा अंदर जाके आपका ऑफिस होगा उतनी ही अच्छी फेंग शुई होती है, फेंग शुई का लाभ मिलता है। आपका ऑफिस मुख्य द्वार के ठीक सामने या लंबे गलियारे के ठीक अंतिम छोर पर नहीं होना चाहिए। ऑफिस शौचालय या एलिवेटर, चलायमान सीढ़ी जो बोलते हैं, उनके सामने ना हो, अर्थात इससे क्या होगा, धन संपदा का कमी रहती है, धन संपदा आती नहीं है या चली जाती है। आपके ऑफिस में बैठने का स्थान बताते हैं, जहां बैठते हैं वो आपकी कार्यशक्ति है, कार्यशक्ति को बहुत प्रभावित करता है। एक बात याद रखिए कि मेज या बैठने का स्थान कभी भी बीम के नीचे ना हो। अगर ऐसा होता है तो आप हमेशा सिर दर्द, अनचाहा दबाव महसूस करेंगे और डिसीजन आपके और अच्छे बेहतर नहीं होंगे। बैठने का जो स्थान है वो एकदम आपके गेट के सामने नहीं होना चाहिए। ऑफिस में खुली किताबों के रैक नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये किताबें एक तरह से ब्लेड का काम करती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। आपकी मेज कैसी हो, अपना कंप्यूटर जो है अपनी मेज के दाहिनी ओर रखें, राइट साइड पे रखें, और बाईं ओर कुछ ऊंचा सा चीज रखें, जैसे लैंप वगैरह चीज बाईं ओर थोड़ा सा ऊंची चीज रख दें, और मेज के पूर्व में ईस्ट पोर्शन में ताजे फूलों का गुलदस्ता रखें और जैसे ही वो फूल मुरझा जाते हैं आपके तो उनको इमीडिएटली हटा दें। फूल जो होते हैं वो यांग ऊर्जा देते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली होती है डिसीजन के लिए, आपके कोई भी निर्णय आप लेंगे वो अच्छा होता है। अपने ऑफिस के दक्षिण पश्चिम में एक गोल क्रिस्टल लगा लें, इससे क्या होगा कि आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो मित्र हैं या जो आपके लेवल के भी हैं, नीचे वाले भी हैं, उनके बीच आपका संतुलन रहेगा, आप सामंजस्य बना के चलेंगे उनके साथ। दक्षिण में किसी भी तरह की लाल लाइट और लैंप लगा लें, आपका नाम हमेशा रोशन रहेगा। एक मीटिंग हो रही है कहीं, चार लोग बैठने की जगह है, पांच बैठ जाते हैं, तो कोशिश करिए कि कभी भी वो एंड जो मेज का जो कोना है वो आपके सामने ना हो, यानी उस कोने पर आप ना बैठे, अन्यथा सारा दिन आपका खराब हो जाएगा। मीटिंग के समय आप बैठने की जगह देखें कि वो हमेशा द्वार से काफी दूर होनी चाहिए और जो मेन गेट है उसकी तरफ पीट करके नहीं बैठें, अन्यथा विश्वासघात का बहुत अंदेशा रहता है। एक बात और बताते हैं, आप जिस कुर्सी पर बैठें उसके हत्थे लगे होने चाहिए, पकड़ने की जगह होनी चाहिए, हाथों को सहारा देने की जगह होनी चाहिए और पीछे का हिस्सा कुर्सी का ऊंचा होना चाहिए, इससे आप बैलेंस बनाएंगे, आपका काम खूब चलेगा और क्लाइंट वगैरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक्स जरूर दीजिए, बहुत प्रेरणा मिलती है इससे। धन्यवाद। नमो नारायण।